हाय गाइस, मेरा नाम है शानू और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैं क्या मील ले रही हूँ, सुबह के नाश्ते से लेके रात तक मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सब लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि साबूदाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से साबूदाना खाया है और मुझे कभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ और ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। हाय गाइस, आज मैं शूट कर रही हूँ अगेन अ व्लॉग। मैं घर पे अकेली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, ही इज इन पुणे और पुणे ऑफिस गए हैं वो। मैं अकेले कैसे मैनेज कर रही हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। अभी दोपहर हो गई है तो मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे ही कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने जो भी बनाया था खाने वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड अक्सर ही जाते रहते हैं पुणे मीटिंग एंड ऑल के लिए, बट जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से मैंने नोटिस किया है कि हर ट्राइमेस्टर में बॉस ने इनको बुलाया है, जबकि इसके पहले इतना पुणे विजिट नहीं होता था। तो इसलिए थोड़ी इरिटेशन भी होती कि जब ज़रूरत है तो उस समय बार बार इनको जाना पड़ रहा है। अभी 8 मंथ चल रहा है मेरा और अकेले मैं मैनेज कर रही हूँ। मैंने बोला है कि जाके अभी बॉस को बोल के आना कि नेक्स्ट 2 मंथ अगर मीटिंग रही तो फिर नहीं आ पाओगे। वैसे बॉस को मान तो जाना ही चाहिए। फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो कांटेक्ट नंबर सबका है मेरे पास, अगर मुझे कुछ इमरजेंसी इन केस पड़ती है तो मैं कॉल कर सकती हूँ उन लोगों को, वो लोग आ जाएंगे। बट फिर भी एक होता ना कि हस्बैंड साथ में रहते तो सही रहता है। अभी फ्रेंड वगैरह को कॉल करके मैं क्या ही बोलूँगी, और टचवुड अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। तो 2 दिन के लिए ये गए हैं तो मैं 2 दिन अकेले ही रह रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। रात में थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि अकेले सोने की आदत नहीं है, दिन भर तो चला ही जाता है, बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। बेबी के साथ बात करती रहती हूँ, टाइम पास करती हूँ ऐसे ही। फ़ोन पे बात कर रही थी मैं जब ये पुणे पहुँच गए थे, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो बेबी अचानक किक करने लगा, मतलब पापा की आवाज़ उसको पसंद है, पापा घर पे नहीं है तो वो मोमेंट थोड़ी कम कर दिया है किक वगैरह। और जैसे ही फ़ोन करो और पापा की आवाज़ सुन के खूब कूदना चालू कर देता, तो एकदम शैतान हो गया मेरा बच्चा। मेरे बेबी को मम्मी पापा दोनों ही चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहता मेरा बच्चा। तो अमेज़ॉन से पार्सल आया, मैंने मंगाया था रिंग लाइट, आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी रिंग लाइट ऑर्डर करने का, पहले मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर कर दिया था, सोचा रिंग लाइट बाद में लूँगी। एक रिंग लाइट मेरे पास पहले से भी है बट फिर भी मैंने सोचा कि एक थोड़ी बड़ी वाली जो डिजिटेक की चलती है आजकल ट्रेंड में है, सबके पास ही है, वो वाली मंगा लेती हूँ, हमेशा के लिए हो जाएगा क्योंकि आगे चल के मुझे लेना ही है। और फिर अभी तो बेबी से रिलेटेड शॉपिंग स्टार्ट कर देना है, तो मैम अपने YouTube से रिलेटेड शॉपिंग तो नहीं कर पाऊंगी अब, तो ये लास्ट शॉपिंग थी जो मैंने YouTube से रिलेटेड की है अभी। और उसके बाद अब बेबी से रिलेटेड शॉपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। 8वां महीना चल रहा है तो इस महीने हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे और जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह हम लेके आएंगे, चाहे ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। पहले तो यहाँ फर्स्ट ट्राई है बगल में, तो सोच रही हूँ कि एक बार जाके देखूँ, फर्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, इसके पहले मेरी नंद का बेबी हुआ था तो मैं गई थी, फर्स्ट बेबी जब उसका हुआ था तो मैं गई थी फर्स्ट ट्राई। तो अभी अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम जाऊंगी तो देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं, अगर सही रहेगा तो ऑफलाइन स्टोर से लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लेंगे। आगे के व्लॉग्स में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि क्या क्या बेबी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं, और हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। चेकलिस्ट मेरे हॉस्पिटल से जब मुझे मिल जाएगी तो मैं आप सबसे शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी वो वीडियो। चलिए थोड़ा अंदर चल के बात करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, और मैंने लिया है एप्पल और बनाना, और इसके साथ ही मैं नारियल पानी ले रही हूँ। मैं नारियल पानी डेली ही लेती हूँ, बहुत ही हेल्दी रहता है, आपको भी लेना चाहिए स्पेशली समर सीज़न में, बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। तो इधर बन रही है दाल, और दाल में मैंने डाला है आम, और अरहर की दाल है मतलब तूर दाल, और आम तो मेरा फेवरेट है दाल में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच में आज मेरी लिए सब्जी, तो अभी इसमें हम मसाले डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा अमचूर वो मसाला, चिपापन होता है ना भिंडी का, जब वो ख़त्म हो जाता है तब मैं डालती हूँ नमक, इससे भिंडी जो है गीली गीली नहीं लगती है। प्याज के पानी छोड़ने की वजह से भिंडी जो है वो वापस से अजीब सी हो जाती है अगर तुरंत डाल दो तो। भिंडी जब थोड़ी सी हो जाती है, चिपचिपन जो है वो निकल जाता है, तब मैं इसमें प्याज डालती हूँ। इसमें जब प्याज का पानी सूख जाता है ना तब मैं नमक डालती हूँ और थोड़े से मसाले। अब इसे ढकना नहीं, अभी से ऐसे खुला ही पकाना है। तो दाल मेरी बन गई है और सब्जी भी मेरी हो चुकी है। सो गाइज, दिस इज़ माई लंच।
मैंने लिया दाल सब्जी भिंडी की और सैलड लिया है, दही लिया है और दो रोटी लिया हुआ है। तो ये आज का मेरा लंच है। गाइस ये अमेज़ॉन से पार्सल आया हुआ है, रिंग लाइट एंड ट्राईपॉड है, बट ये इतना बड़ा साइज़ है ना, मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड का वेट करती हूँ। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी कि ये कैसा आया है, क्योंकि अभी मैं इसे अकेले तो ओपन नहीं कर पाऊँगी। सो गाइस लंच करने के थोड़ी देर बाद मैं ले रही हूँ लाइम वाटर और इसके साथ मैं ले रही हूँ एंड टैबलेट अपनी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा हीमोग्लोबिन एकदम बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, तो अब इससे कम ना हो, मतलब 11 है मेरा और उससे कम ना हो, तो इसलिए मैं आयरन टैबलेट्स लेती हूँ विटामिन सी के साथ। और आप चाहें तो इसे ऑरेंज जूस के साथ भी ले सकते हो, मैं लाइम वाटर या ऑरेंज जूस किसी के भी साथ ले लेती हूँ। तो इस समय मैं ले रही हूँ लेमन वाटर के साथ और इससे आपके ब्लड में अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब होगा। और मुझे अभी मेरी डॉक्टर ने बोल दिया है 2 टैबलेट लेने के लिए, तो एक मैं लंच के बाद ले लेती हूँ और एक शाम में ले लेती हूँ स्नैक्स के बाद, और रात में मैं लेती हूँ कैल्शियम टैबलेट मिल्क के साथ। तो ऐसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। सो गाइज इट्स इवनिंग और 5 बज रहे हैं अभी। मैं अगेन फ्रूट ले रही हूँ, आज मैं ले रही हूँ पोमेग्रेनेट। और इसका ना स्किन पील करना मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, हस्बैंड होते तो मैं उन्हीं को पकड़ा देती हूँ, वो अच्छे से पील करके दे देते और मैं खा लेती हूँ। और ये बहुत ज़रूरी रहता है हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए, और दिन में आपको 2 से 3 फ्रूट्स तो लेने ही चाहिए। तो बस चेंज कर करके फ्रूट्स लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और सीजनल फ्रूट लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैं यही लेने वाली हूँ, अभी गर्मियाँ आ गई तो वाटरमेलन भी आ गया है, तो उसे भी ले लेती हूँ कभी कभी। 1 घंटे के बाद मैं ले रही हूँ स्प्राउट्स, और यहाँ पे मैंने मूंग दाल होती है हरी वाली और ब्लैक चने दोनों को आपस में भिगो दिया था रात भर, और उसके बाद फिर मैं उसे थोड़ा सा बॉईल कर ली हूँ। और इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर, खीरा और थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दिया है, काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाला है, जिससे बहुत टेस्टी सी चाट बन जाती है। और इसके साथ ही मैंने इसमें रोस्टेड पीनट्स डाला है, जिससे इसमें क्रंची फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, रोस्टेड पीनट से ये इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, थोड़ा क्रंच आता है ना मुँह में, तो वो बाइट बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैं कभी कभी मॉर्निंग में भी ले लेती हूँ, आज मेरा इवनिंग में मन था तो आज मैं इवनिंग में ले रही हूँ। सो गाइज जैसा कि आपने देखा कि स्नैक्स में मैंने स्प्राउट्स लिया था और काफ़ी लेट लिया था, मतलब 5-6 बजे के आसपास लिया था, तो मेरा टमी अभी काफ़ी फुल है। तो डिनर में मैं कुछ नया नहीं बनाऊंगी, जो मॉर्निंग में मैंने बनाया था लंच में वही मैं लेने वाली हूँ, रोटी और दाल और थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड हैं नहीं घर पे और मैं अकेले ही हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा ही बना दिया था मॉर्निंग में ही। तो अभी प्रेगनेंसी में 8 मंथ में ना थोड़ा थकान टाइप का लगने लगता है जल्दी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी मील लूँ, स्किप ना करूँ। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्रेमेस्टर में हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, पर मैं उस टाइम क्या करती हूँ ना कि शेक बना के पी लेती हूँ रात में, मिल्क मैं बॉइल करके नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं आप सबसे वही रेसिपी शेयर करूँगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं वो पीती हूँ ना तो मुझे हार्ट बर्न जो हो रहा होता है ना वो एकदम ठीक हो जाता है, उससे रिलीफ मिल जाता है। अगर जैसे कि आपको हार्ट बर्न हो रहा है ना तो आप गर्म चीज़ें मत लो, ठंडी चीज़ें लोगे ना तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा, मिल्क स्पेशली। तो दूध आप ठंडा ही लिया करो, या तो आप शेक बना लिया करो तो ठंडा पीते बनेगा, ऐसे सिंपल ठंडा दूध तो मैं नहीं पी सकती। मॉर्निंग में मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया था क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स अभी शेक में लूंगी, और हार्ट बर्न जो होता है सारा दिन का खाया पिया जो होता है ना उसकी वजह से ज़्यादा भी होता है, एसिडिटी हार्ट बर्न होता ही होता है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो जब भी मुझे कभी कभी लगता है तो मैं उस दिन शेक ही पी लेती हूँ, वरना मैं प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ मिल्क के साथ, या तो केसर मिल्क ले लेती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं शेक कैसे बनाती हूँ, और वो मेरा लास्ट मील होगा आज का। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी ऐसा रिलीफ मिला क्या उस शेक को पीने से। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को मैंने सोक करके रखा था, आज मैंने मॉर्निंग में नहीं लिया था क्योंकि मुझे शेक में ही डालना था। तो यहाँ पे मैंने 4 बादाम को पील कर लिया है, किशमिश लिया है, वॉलनट लिया है और 1 अंजीर लिया है, यानी कि फिक्स आपको ज़रूर लेना चाहिए, इससे आपका आयरन लेवल मेंटेन रहता है। तो इसके साथ ही मैं 2 काजू डाल दे रही हूँ इसमें, इसे मैंने सोक नहीं किया था, और 1/2 एप्पल डाल दे रही हूँ, कट कर लिया था मैंने। ज़्यादा एप्पल डाल दोगे ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा शेक, तो बहुत ज़्यादा मत डालना। इसे एक बार बस ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें चिल्ड मिल्क डालेंगे। तो फ्रिज का 1 कप ठंडा दूध मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने शुगर नहीं डाला है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा चीनी डाल सकते हो। तो बस इसे एक बार और ब्लेंड करेंगे और हमारा शेक हो गया रेडी। तो इसे मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ड्राई फ्रूट्स एंड सेब वगैरह की वजह से,
तो मेरा शेक रेडी है और इसे मैं पी लूंगी। ये मेरा लास्ट मील ऑफ द डे है, इसे मैं डिनर के बाद लेती हूँ रात में। आपको जब भी हार्ट बर्न टाइप का फील हो आप तब ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिनर के बाद ही लो। फिक्स एंड रेजिन्स मुझे सोक्ड करके खाना कम पसंद है तो इस तरह मैं ले लेती हूँ शेक में, काफ़ी टेस्टी लगता है ये। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा और आपको एवरीडे मील्स से रिलेटेड कुछ तो आइडिया मिला ही होगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मील प्लान अपने शेयर किए हैं, व्लॉग्स में भी शेयर किया है, अलग से प्रेगनेंसी मील प्लान मैंने शेयर किया हुआ है, तो उसे भी आप जरूर देख लेना क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज के ऑप्शन ही आपको दे सकूंगी। ये वीडियो आप नॉनवेज खाते हो तो भी देख सकते हो क्योंकि आपको वेज में भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन मैं बीच बीच में चेंज भी करती रहती हूँ ताकि मुझे बोरिंग ना लगे। जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में काफी हार्ट बर्न प्रॉब्लम होने लगती है तो आप बहुत ज्यादा तेल मसाला मत यूज करना, थोड़े कम ही तेल मसाले में बनाने की कोशिश किया करो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं यही करती हूँ, कभी लोबिया बना लिया, राजमा बना लिया, छोला बना लिया, ये सारी चीज़ें भी हेल्दी होती हैं, हाई प्रोटीन होती हैं, तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए और खाना चाहिए। तो बस इस तरह से मैं मील प्लान कर लेती हूँ और पहले से ही सोच लेती हूँ ताकि उठने के बाद मुझे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े कि मुझे आज क्या खाना है सारा दिन। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।